हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग साक्षी सविता ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज रात के 11 बज रहे हैं, सब सो गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ अभी, ये देखिए सारे बच्चे सोए हुए हैं और हम दोनों बहनें एक झाड़ू लगा रही है और मैं लगा रही हूँ पोछा। और आपको इस कमरे में और दिखाऊँ, सब लोग सो गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे लोग सोए हुए हैं और हमने सोचा, मैं नींद नहीं आ रही थी दोनों बहनों को, तो हमने सोचा कि हम झाड़ू पोछा करके सो जाते हैं। और मतलब मजे की बात यह है कि सुबह हम मतलब इतनी जल्दी नहीं होगी जगने की, पूजा जाएगी ड्यूटी, अभी इसको आराम है, इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत खराब नहीं है। और यहाँ पर मैंने कूड़े वाली बना दी भाई, इसको बना दिया कूड़े वाली भाई। अभी डाल लेंगे वीडियो? नहीं अभी नहीं डालूंगी, ये देखिए तो अभी दिखाऊं, देखिए कितनी रात हो रही है, बहुत ज्यादा रात हो रही है। ये देखिए देखिए दोस्तों, पूरे घर को हमने अभी तो मतलब झाड़ू झाड़ू से चमकाया है। और मेरी ड्यूटी है पोछा लगाने की, मैं अभी अभी पोछा लगाऊंगी और जब मैं आपको दिखाती हूँ पूरे घर को कैसे चमक गया हमारा। और जब अच्छे से मतलब बच्चे हैं दोस्तों, झाड़ू पोछा तो उन्हें टाइम होता है, लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे, सारी गंदगी फैला देते हैं, अखबार कागज फाड़ फाड़ के, कूड़ा फैला फाड़ फाड़ के। ये पता है आपको, मेरा ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये सो रहा है, जो इतना सीधा बन के ये तो सबसे ज़्यादा गंदगी फैलाता है। तो हमने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही है, हम शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, पूजा ने बनाई थी साड़ी पहनकर आज शॉर्ट वीडियो, तो हम सफाई भी कर देते हैं। बड़ी मज़े की बात है दोस्तों, हम सफाई कर रहे हैं रात को, सुबह करने की टेंशन नहीं रहेगी। बच्चों को तैयार करो, खड़े हो जाओ, बहुत अच्छा रहता है रात में सफाई करके सो जाना। तो हम अभी आपको बाद में मिलते हैं पोछा लगाने के बाद। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग साक्षी सविता ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सबकी दिवाली मंगल में हो। और आप भी प्रार्थना कीजिए हमारी भी दिवाली मंगल में हो दोस्तों। और दिन के 2 बज चुके हैं, मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के 2 बजे कर रही हूँ। और आज मैंने सुबह खाना नहीं बनाया था, तो आज मैं नमकीन चावल अब 2 बजे बना रही हूँ, क्योंकि सुबह कचौड़ी समोसा मैंने मंगा के खा ली थी। वैसे मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन सुबह मन किया, मौसम अच्छा था, बारिश हुई थी यहाँ पर, तो मैंने खा ली, तो इसलिए मैं आलू प्याज टमाटर काट रही हूँ और चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं इनको अच्छे से साफ कर लूँगी धुल के। और दोस्तों मैं आज जा रही हूँ अपने ससुराल जाऊँगी और वहीं पर मैं दिवाली सेलिब्रेट करती हूँ, मतलब वहीं पे दिवाली मनाती हूँ मैं। और हेलो एवरीवन, मैंने चावल धुल दिए हैं और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, मैं रो रही हूँ आज बहुत ज़्यादा रो रही हूँ दोस्त, क्योंकि मैं इनको काट रही हूँ ना, इसलिए मेरी आंखों से आंसू जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। प्याजों में धुआं है जो सीधे आँखों में जाके लगता है और आँख जलने लगती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने 2-3 लौंग ले लिए हैं और 4-5 बादाम ले लिए हैं। और सब्जी में मैंने आलू गोभी और टमाटर प्याज को लंबा लंबा काट लिया है, गोभी के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, थोड़ी सी फूल गोभी रखी हुई थी, तो सोचा वेज बिरयानी होती है जो मैं बना दूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और काफ़ी टाइम हो गया था दोस्तों सब्जी वाले नमकीन चावल खाए, तो
इसीलिए मैंने सोचा कि भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, इनको भी लगी हुई थी, ये दुकान चले गए थे। और ये ब्लॉग दोस्तों छोटी दिवाली का है, उस दिन मैंने रात को बनाया था, उसके बाद दूसरे दिन मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो मैंने ये तलने के बाद निकाल लिए हैं इसमें से, क्योंकि मैं इनको बाद में डालूंगी, नहीं तो ये जल जाएंगे। और थोड़ा तेल भी कम गर्म हुआ था तो मैं थोड़ा और वेट कर रही थी तेल और ज़्यादा गर्म हो जाए, क्योंकि सब्ज़ी डालने के बाद तो तेल ठंडा हो जाएगा इसीलिए। और बच्चे भी खा लेंगे इस बहाने से सब्ज़ियाँ, क्योंकि वैसे तो खाते नहीं हैं लेकिन नमकीन चावल में खा लेते हैं, तो सोचा बना लेते हैं। झटपट से बनने वाली भी ही रेसिपी है और मुझे भी देरी हुई थी, क्योंकि अगर मैं खाना बनाती तो बहुत सारा ऐसे बर्तन बर्तन वगैरह हो जाते, फिर उस काम में मैं लग जाती। तो मैं ये जो दूध बाकी का बचा है उसकी थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, मैं थोड़ी चाय बना लूँगी, थोड़ा सिर दर्द कर रहा था तो, नहीं तो ये दूध भी ख़राब हो जाता फिर, या फिर मुझे लेके जाना पड़ता, तो इसीलिए मैं इसकी चाय बनाने रख दूँगी। नमकीन चावल के साथ चाय अच्छी लगती है इसीलिए। और यहाँ पर मैंने प्याज डाल दी पकाने के लिए, पकने के लिए, और मैं इन प्याजों को अच्छे से भुनने दूँगी। उसके बाद मैं एक इलायची चाय में डाल दूँगी कूट कर मैं डाल दूँगी। और चाय अच्छी लगती है इलायची वाली, अदरक की भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे पास उस टाइम अदरक नहीं थी तो मैंने इलायची ही डाल दी, और चाय भी बन जाएगी। और चाय हमारे घर में कभी कभी बनती है, रोज़ाना हम चाय नहीं पीते हैं दोस्तों। और उसके बाद मैं जो चावल बने थे उसकी वीडियो में नहीं बना पाई, और हम चल दिए थे दोस्तों गाड़ी में, मैंने सारा सामान भी रख लिया था। और ये देखिए डुगू कैसे बैठा है, और मैंने साड़ी पहनी हुई थी जाने के लिए, वैसे तो सूट भी पहन सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन ससुराल में जाती हूँ तो ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ। और ये देखिए ये फिरोजपुर झिरका है दोस्तों, बस स्टैंड का, जिसे बोलते हैं अम्बेडकर चौक, ये फिरोजपुर में हम वहाँ पर पहुँच गए हैं, तो कुछ सामान भी हमें लेना था तो हमने वहाँ से ले लिया था। और ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, और बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही थी दोस्तों यहाँ पर। ये ड्यूटी करते थे, ये थाना है जहाँ पर आपको ये रोशनी सी दिख रही होगी, और यहाँ पर ये इन्होंने काफ़ी टाइम ड्यूटी की है, और इसमें इतनी अच्छी डेकोरेशन हो रही थी दिवाली पर, उससे पहले तो कभी नहीं हुई, लेकिन अब की बार बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रही थी, तो उसकी भी वीडियो मैंने बना ली। ये फिरोजपुर में ही पड़ता है हाईवे रोड पर, तो बस चल दिए अपनी ससुराल दिवाली मनाने, और रात हो गई थी हमें चलते चलते, क्योंकि हम आराम आराम से जा रहे थे, रात का समय था दोस्तों, दिवाली की बहुत भीड़ थी, क्योंकि ये अलवर दिल्ली हाईवे रोड है तो काफ़ी भीड़ रहती है। तो यहाँ पर मैं आपको साथ में दिखाती जा रही हूँ, और ये पहुँच गए फाइनली हम अपने ससुराल, और आपको मैं दिखाती हूँ मेरी ससुराल की गलियाँ। गांव है पन कोई नहीं दोस्तों, मन अच्छा लगता है गांव में, कभी कभी आते हैं तो मन लग जाता है, दो तीन दिन की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो कोई नहीं, हम दिवाली मना के जाएंगे। और ये देखिए बच्चे खेल रहे थे, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे गाँव का, ससुराल का गाँव है, और पहुंच गए सब लोग, बहुत खुश हो जाएंगे। बच्चे तो इतनी ज़्यादा खुश थे जाने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम में आती हूँ, त्योहारों के टाइम पर ही आती हूँ, वैसे तो आना नहीं होता मेरा, बीच बीच में त्यौहार पड़ते हैं तब ही मैं आती हूँ। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहाँ पर इससे आगे मैं आपको दिवाली का ब्लॉग दूँगी, ये ब्लॉग आएगा तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा, ससुराल में बहुत काम निकलता है, और उसके बाद मैं ब्लॉग डालूँगी। तो यहाँ पर गाड़ी को बैक कर रहे थे, क्योंकि हमें बैक में सीधे सीधे घर के सामने उतरना था, फिर गाड़ी भी दूसरी जगह जाके खड़ी करनी है इसीलिए, तो ये बैक में चल रहे थे। आप सोच रहे होंगे उल्टी गाड़ी कौन चलाता है, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर सब लोग बहुत खुश हो गए थे, और डुगू तो बहुत ज़्यादा खुश था, और मेरा बेटा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।